मेरी जो मिस पढ़ा रहे हैं, मैं उन सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ और उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन के ऊपर हम बातचीत करना चाह रहे हैं, जिस डायलॉग के लिए जरूर से कामयाब होगा। आज हम आपके सामने एक ऐसा इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर के आए, हम लोगों से दूर रही है, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रही है, तो हम इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। विकलांग चल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे सोर बैठे हुए रतन जी बैरवा और पीपल्स ग्रीन पार्टी की जो विकलांग सशक्तिकरण मिशन है, उसके हमारे से और हमारी सह सहयोगी का बीना शर्मा जी के आपके सामने रूबरू में, मैं डॉक्टर सुधा 1,54,000 करोड़ रुपये का बजट पास किया और उसमें से विकलांगों के ऊपर करीब 300 भाई साहब, लंबे समय से आपका संघर्ष चल रहा है, अंबेडकर भवन के बाहर भी आपसे धरना रहा लंबे समय, क्या परेशानी आ रही है आपको? सरकार के मंत्री से भी आपकी बात हुई, क्या आश्वासन? अभी 4 अप्रैल 2018 से हम विशेष योग्यजन भवन के बाहर, जो हमारा विकलांगता का मुख्य आयुक्त महोदय बैठे हैं, वहाँ पर हम आज 31 दिन से धरने पर बैठे हैं। और हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि बैकलॉग का राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी भरे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका पालन करना है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि 28 हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2013 की GNM नर्स ग्रेड सेकंड की मेरिट फाइट की और री मेडिकल में भी वो सक्सेस हुए, लेकिन उनको ये कह करके बाहर कर दिया गया कि केवल 1 लेग्स को ही हम लेंगे। लेकिन बात यह है कि UNO कन्वेंशन 2007 और हमारा RPD बिल 2016 ये कहता है कि जो विकलांग व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम है और वो कर सकता है, तो कोई भी सरकार, कोई भी कानून हमारे लिए बैरियर नहीं बन सकता है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार का ये कानून हमारे लिए बैरियर बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमने 1 लेग्स का फॉलो किया है। तो 1 लेग्स के फॉलो के साथ में जब हमने RTI से कागज़ लिए, तो ऐसे 30 प्लस ऊपर लोगों का ऐसा कागज़ हमें मिला है जिनसे कि वो भी हमारी तरह की विकलांगता से ग्रसित थे। जब हम SES मेडिकल हेल्थ में जो विनु गुप्ता जी है उनसे हम मिले, तो उनको हमने बताया कि आप कह रहे हैं कि 1 लेग्स को ही हम ले रहे हैं, लेकिन जब 30 कागज़ उनके सामने रखे तो उनका कोई जवाब उनका नहीं आ पाया, नहीं दे पाई हूँ जवाब। तो अभी कल परसों भी हम मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 4-6 दिन और लगेंगे। तो हम इस मांग को लेकर के अभी विशेष योग्यजन भवन के बाहर बैठे हैं। देखिए, राजनीतिक तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जिस नियम का बात ये बार बार दोहरा रहे हैं, उस नियम का फॉलो नहीं किया इन लोगों ने। और बात ये है कि जो बजट की बात करते हैं कि हमारी जो आज 3% से बढ़कर के 4% भारत सरकार ने हमारी जनसंख्या मान चुके हैं, तो कम से कम हमारा बजट 4% तो होना ही चाहिए। और 3% की जो आंकड़ा था, तो उसके हिसाब से भी हमारा तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का बजट बनता है, जबकि राजस्थान सरकार मात्र 50 पॉइंट यानी कि 1% भी बजट हमारे ऊपर खर्च नहीं करती है। बिल्कुल, मैं पूरे समुदाय की तरफ से कह देना चाहता हूँ कि नाम बदलना बहुत आसान है, लेकिन काम बदलने के लिए 56 इंच का सीना शायद अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जो समाज के जो बहुत पिछड़े हुए दायरे में हम लोग बैठे हैं, उनको कहीं मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। सिर्फ उपकरण बांटना और इतिश्री करना, यही BJP सरकार का मुख्य एजेंडा रहा है। हज़ारों लाखों की संख्या में उपकरण बांटना ही इनका मेन मुख्य ध्येय है। और दूसरी बात, उपकरण भी ऐसे बांटे जा रहे हैं जो इनके निजी NGO के मार्फत जो फंड दे करके, MLA फंड उनको दिया जा रहा है, वो जैसा चाहे उपकरण वैसा दे रहे हैं। MP फंड उनको देने की पूरी तरह से एल्मिको कंपनी है, जो पता नहीं वो लखनऊ से या UP से हैं, उनको देहरादून से हैं, जो उनको दिया गया है। वो ऐसी ट्राईसाइकिल, ऐसी मोटरसाइकिल देती हैं जिससे कि हम एक ब्रेकर को नहीं पार कर सकते हैं, एक पुलिया को नहीं पार कर सकते हैं, फिर किस तरीके से भला करना चाहते हैं? दूसरी बात, एक्सेसिबिलिटी इंडिया की बात करते हैं, जिसमें राजस्थान को 50 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था और उसमें 90 बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आंकड़े निकाले लिए, तो उसमें मात्र 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और बजट ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। अभी एक किसी भी बिल्डिंग का एक रैंप तक, एक गेट तक, एक लिफ्ट तक नहीं बदला गया है।
विधानसभा के मुख्य द्वार पे कोई रैंप की व्यवस्था नहीं है, और जो वैकेंसी निकली थी विधानसभा में उसमें भी किसी विकलांग को लिया तक नहीं गया है, क्योंकि उनके पास बाधा रहित वातावरण है ही नहीं। तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि ये जो विकलांगजन समाज की जो पार्टियाँ राजनीतिक स्तर पर या जिसी भी भौगोलिक स्तर पर हमारे को अनदेखा कर रही है, उनको मैं ये जो चुनाव आ रहे हैं 2019 में साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी जनसंख्या 21 लाख से ऊपर है, अगर हमारे वोट बैंक का महत्व आप लोग नहीं समझेंगे तो ये विकलांग जन लोग 2016 में भी हजारों की संख्या में सड़कों पे आए थे और विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए थे, ये फिर चुनौती लेकर के तैयार हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक बड़ा मूवमेंट तैयार कर रहे हैं, जिससे कि पूरे समाजों को और पूरे राजनीतिक पार्टियों को ये पता चल जाएगा कि इतने 70 साल से इस वर्ग की बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा। और मैं सभी मीडिया प्रभारी और संवाद मोदियों से निवेदन करता हूं कि हम 31 दिन से वहां बैठे हुए हैं, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी मांग को उठाइए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए ताकि हमें न्याय मिल सके। हम सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहे हैं ताकि इन 28 जो जीएनएमधारी हैं, जीएनएम अभ्यर्थी है, उनको नौकरी दी जा सके। और मैं यही चाहूँगा कि हम सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, हमें पेंशन या उपकरण बांट करके अपना ये मत सोचिए कि हमने दान के पात्र मत समझिए। और ये चीज़ जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक हम मुख्यधारा से कैसे जुड़ पाएंगे। मैं रतनलाल बैरवा, प्रदेश संयोजक, विकलांग आंदोलन 2016, संघर्ष समिति राजस्थान। देखिए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो विकलांगों की जो डिमांड्स हैं इसमें बैकलॉग को भरने की हमारी मांग है। 28 नर्सिंग कर्मचारी बैठे हुए बहुत समय से, उनको तुरंत नियुक्ति दिए जाने की हमारी मांग है। पेंशन की जो राशि है जो कि 500, 750 और 1000 रुपया है, उसको बढ़ा करके 5000 रुपया हम लोग करने की मांग कर रहे हैं। जो विकलांगों के लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपया सालाना प्रोविज़न दिया हुआ है, उसको बढ़ा करके हम 10000 करोड़ रुपया सालाना करने की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बता देना चाह रहा हूँ कि विकलांग अब मानसिक तौर पर लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया है और हम बहुत जल्दी सड़कों पर उतरने वाले हैं। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि विकलांग रोड के ऊपर आके आंदोलन करेंगे अगर मांगे नहीं मानी जाएगी। और ना केवल आंदोलन करेंगे बल्कि विकलांग जल्दी ही एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें 18 लाख विकलांग, अगर आप इमेजिन करें कि 10-10 लोगों को भी प्रभावित कर सके तो राजस्थान के अंदर चुनावों के समीकरणों को बिल्कुल बदल सकते हैं। इस बात को अभी कांग्रेस और भाजपा समझ नहीं रही है, लेकिन अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो आप देखेंगे न केवल दोनों के चुनाव घोषणा पत्र विकलांगों के शब्दों से रंगे हुए होंगे इस बार, बल्कि वो अब विकलांगों के घरों के अंदर घुस घुस करके और चाय पानी पीते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। हम बहुत जल्दी सड़कों पर उतरने वाले हैं।